For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss an update from Bollywood Spy. कैटरीना कैफ के बर्थडे पर सलमान ने दिया एक स्पेशल गिफ्ट। वेल, बॉलीवुड के नेक्स्ट लव बर्ड्स टर्न गुड फ्रेंड्स के इक्वेशन से तो हम सभी वाकिफ हैं। ऐसे में सलमान ने दिया कैटरीना को उनके जन्मदिन पर एक स्पेशल गिफ्ट। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सलमान हाल ही में हाथ में एक शॉपिंग बैग के साथ नजर आए थे। इसी दौरान शॉपिंग बैग से जिस ड्रेस की झलक दिखाई दे रही थी, बाद में कैटरीना उसी ड्रेस में नजर आई। वैसे ये तो कहना ही पड़ेगा कि इस ड्रेस में कैटरीना बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी, और भाई लगे भी क्यों ना, आफ्टर ऑल ये भाईजान की जो चॉइस है। बात करते हैं दोनों के हालिया प्रोफेशनल फ्रंट की, तो बता दे पिछले कुछ समय से ही खबरों का बाजार गर्म है कि टाइगर जिंदा है के बाद अब सलमान और कैट एक साथ भारत में स्क्रीन स्पेस शेयर करते नजर आएंगे। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय है हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। जानवी कपूर और ईशान खट्टर की मच एंटिसिपेटेड बॉलीवुड डेब्यू धड़क को रिलीज होने में बस कुछ और ही दिन रह गए हैं। ऐसे में इस फिल्म के मेकर्स और ये दोनों डेब्यूटेंट इसे प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। बताते चले, कई टेलीविजन शोज में जाकर इस अपकमिंग वेंचर को प्रमोट करने के बाद इस दिन ईशान, जानवी और करण जौहर पहुंचे माधुरी दीक्षित के शो डांस दीवाने पर, जहां शो के जजेस और ये तीनों मिलकर खूब मस्ती मजाक करने के साथ साथ जिंगट पर डांस करते भी दिखाई दिए। वैसे अगर आप इस बात से वाकिफ ना हो तो बता दे, शशांक खेतान के निर्देशन में बनी धड़क मराठी ब्लॉकबस्टर सैरत की रीमेक है, जहां इस फिल्म के चार्ट बस्टर जिंगत को भी हिंदी में एक नया रूप दिया गया है। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें अपने विचार बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ।